नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं संदीप चंद्रवंशी। अभी हमने जो हिंदी की क्लासेस शुरू की है उसमें हमने हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें समास के अंतर्गत समास के प्रकार देखे। समास के प्रकार में हमने 6 प्रकार देखे। उसके बाद हमने देखा अव्यय भाव और तत्पुरुष समास। ये हमारे जो 2 समास है यहाँ पूरे हो चुके हैं। आज हम जो बचे हुए समास है कर्मधारय, द्विगु, द्वंद और बहुव्रीहि, ये जो 4 प्रकार हमारे बचे हैं हम आज की इस क्लास में उनको पूरा करने वाले हैं। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में हमारा सबसे पहले आएगा आपका कर्मधारय समास। कौन सा आएगा? कर्मधारय समास। देखिएगा, कर्मधारय समास बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा। आज की इस क्लास में उनको पूरा समास हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें जब देखें ऐसा समास, ध्यान से देखिएगा, इस समास से आपकी परिभाषा भी पूछी हुई, पिछली जो एग्जाम हुई थी उसमें आपकी इसकी परिभाषा आई थी। वहां समास जिसमें पहला पद, देखिएगा, वह समास जिसमें पहला पद आपका विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, या फिर आपका पहला पद उपमान हो या फिर दूसरा पद उपमेय हो, तो उस समास को आप कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं पहले, फिर परिभाषा के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। देखिए, वह समास जिसका पहला पद, ध्यान से देखते रहेंगे, पहला पद विशेषण हो, पहला पद तो हो गया आपका विशेषण, व दूसरा पद हो गया आपका विशेष, ठीक है, आपकी एक स्थिति दिया हो जाएगी, या फिर आप अगला देख सकते हैं, पहला पद, पहला जो पद रहने वाला है वो आपका उपमेय रहेगा, सॉरी उपमान रहेगा, और जो दूसरा रहेगा वहां आपका उपमेय हो जाएगा, ठीक है। तो वहां कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अब देखिएगा, एक बार परिभाषा हम देखते हैं फिर से, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट में हम देखें सबसे पहले, वह समास जिसका पहला पद तो आपका विशेषण हो गया, देखिए वह समास जिसका पहला पद तो विशेषण हो गया और दूसरा पद विशेष हो गया, या फिर हमारी एक और स्थिति है इसमें वो यह है कि जिसका पहला पद तो हो जाता है उपमान। अभी उपमान क्या है, उपमेय क्या है, विशेषण क्या है, विशेष क्या है, उनको देखेंगे, और दूसरा पद हो जाता है आपका उपमेय, तो वहां आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अब इसको हम समझने के लिए उदाहरण लेते हैं, तो उदाहरण के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो बड़ी आसानी हमको हो जाएगी। तो उदाहरण के क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है हमारा नीलकंठ। देखिए नीलकंठ, अब देखो हमने लिखा है नीलकंठ, अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, नीला है जो कंठ, ठीक है, अर्थात एक इसमें आपका विशेषण हो गया और एक आपका विशेष हो गया, जैसे कि ये आपका विशेषण हो गया और ये हो गया आपका विशेष। तो इसमें जब आप देख पा रहे हैं कंठ कैसा है, नीला है, तो कंठ की विशेषता कौन बता रहा है, नीला बता रहा है। तो उस स्थिति में अगर आप देखें तो कंठ आपका विशेषण हो गया और उसकी विशेषता कौन बता रहा है, विशेष अर्थात नीला। इसके बाद अगला आपका आता है नील कमल, नील कमल अर्थात नीला है जो कमल। अब इसके बाद मैं आपको एक और बात बता देता हूं, यहां पे कर्मधारय समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका यहां है कि इसमें आपका ये रहेगा, एक तो के समान, ध्यान से देखिए जाएगा के समान, और एक आएगा आपका हे जो, ठीक है। तो इनके आधार पर हम बड़ी आसानी से पहचान लेंगे कि यहां आपका कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। तो इसमें हमने देखा आपका ये जो उदाहरण है, यहां आपका विशेषण और विशेष पर आधारित है, विशेषण और विशेष पर आधारित है। इसके बाद हम अगला देखेंगे इसका उपमेय और उपमान का, अगला देखते हैं उपमेय और उपमान का। तो देखिए इसमें आएगा आपका सबसे पहला कमल नयन, कमल नयन, देखिए अब इसमें क्या है, जो नयन है वो कमल के समान है, अर्थात
कमल के समान नयन। देखिए कमल नयन हमने लिखा, अब हम अगर देखें इसमें आगे कि हम विशेषता किसकी बता रहे हैं, वे हम किसके बारे में बता रहे हैं, नयन के बारे में बता रहे हैं, जो नयन है वह कमल के समान है। तो देखिए कमल के समान नयन, तो कमल के समान नयन जो है आपका उपमेय और उपमान हो गया, अर्थात हम नयन जो है, नयन की विशेषता कौन बता रहा है यहाँ पे, सॉरी हाँ नयन की विशेषता कौन बता रहा है, कमल की जो नयन है वो आपके किसके समान है, कमल के समान है। ठीक है, तो इस तरह के उदाहरण के माध्यम से बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि आपका यहाँ कर्मधारय समास है या फिर आपका अन्नकोश समास है। लेकिन इसमें होगा क्या, आगे जब हम देखेंगे तो आपका कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होने वाली है, तो उसको हम आगे देखेंगे उसका कारण क्या रहेगा। ठीक है, तो आपको मुख्य बातें यहाँ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जब कर्मधारय समास पे आएंगे तो आपको परिभाषा याद रखनी, क्योंकि परिभाषा आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, या फिर जिसका पहला पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो, तो उस स्थिति में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय समास के अंतर्गत हमने उदाहरण देखे, उदाहरण में देखा वहां उदाहरण जो आपके विशेषण और विशेष्य पर आधारित है, और वो जो उपमेय और उपमान पे है, तो जो विशेषण और विशेष्य वाला रहेंगे उसमें आपके जो योजक चिन्ह रहने वाला है या फिर जो विभक्ति रहने वाले आपके हैं जो है, उस उपमेय और उपमान में आपका हो जाएगा ये समान। तो ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी, इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे। तो जैसे आपका आता है विशेषण और विशेष्य का आता है, तो नीलकंठ, अर्थात नीला है जो कंठ, क्या है, नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता कौन बता रहा है, नीला। ठीक है, तो कंठ आपका विशेषण हो गया और विशेष्य कौन हो गया यहाँ पे, नीला, क्योंकि कंठ के बारे में बोल रहे हैं, कंठ कैसा, जैसे कि काला पीला कैसा, तो कैसा नीला है, तो वो उसका विशेष्य हो गया। इसी प्रकार अगला आता है नील कमल, तो नीला है जो कमल, कमल कैसा है आपका, नीला, तो यहाँ भी आपका विशेषण और विशेष्य पे आधारित हो गया। इसी प्रकार अगला आता है नयन, अर्थात हम यहाँ पे जो नयन है, जो ना आंखें हैं उनकी तुलना काय से करते हैं, कमल से, तो कमल के समान नयन, देखिएगा जो नयन है वो किसके समान है, कमल के समान, तो यहाँ पे आपकी तुलना वाली बात होगी, तो यहाँ आपका उपमेय और उपमान पे आधारित आपका जो कर्मधारय समास है वहां हो जाएगा। इसी क्रम में अब अगला जो हमारा समास है उसको अगर देखें तो अगला आता है आपका द्विगु समास, द्विगु समास, तो द्विगु समास को याद रखने का बड़ा ही आसान तरीका है, और वो यह है कि द्विगु समास में आपका जो प्रथम पद रहने वाला है वहां संख्यावाचक रहेगा। संख्यावाचक से मतलब रहेगा कि इसमें किसी भी नंबर की बात की जाएगी शुरुआत में। जैसे आप देखें आपका आता है द्विगु समास, कौन सा, द्विगु समास, देखिएगा ये लिखा आपने द्विगु समास, तो इसके बारे में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं, वह समास जिसका प्रथम पद आपका संख्यावाचक हो जाएगा, वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो वह आपका द्विगु समास हो जाएगा, कौन सा रहेगा, द्विगु समास। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यहां है जो आपके एग्जाम के हिसाब से पूछी जाएगी, वो ये है कि द्विगु समास में आपका द्वितीय पद प्रधान होता है, कौन सा, द्वितीय पद प्रधान होता है, या फिर आपका दूसरा जो पद होता है वो आपका प्रधान इसमें हो जाएगा। ठीक है, प्रधान होता है। अब ये दूसरा पद प्रधान क्या होता है, किस आता है उसको देखेंगे, या फिर संख्यावाचक क्या होता है वो देखेंगे। तो इसमें आपका सबसे पहला आता है चौमास, अर्थात चार महीनों का समूह, जब हमने विच्छेद किया तो चार महीनों का समूह होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, चार मासों का समाहार। तो देखिए
यहाँ पे आपके चार महीने की बात की जा रही है, तो सबसे पहले हमने बात की थी कि इसमें आपको पहला बार आपको संख्यावाचक मिलने वाला, तो ये जो मतलब चार की तरफ बता रहा है, तो चौमासा में चार महीने की बात की जा रही है, ठीक है। साथ में हमने बोला था कि इसमें दूसरा पद प्रधान रहेगा, तो दूसरा पद का मतलब होता है ये जो मास है, जो महीना है, इसमें मुख्य हो जाएगा। चार तो सिर्फ संख्या बता रहा है कि एक दो तीन चार ऐसे, लेकिन जो आपका जो मास है या महीना जो है या आपका दूसरा पद है, वो ऋषि के ऊपर ही पूरा वाक्य शब्द इसका टिका हुआ है। तो इसी से हम परिभाषा देखेंगे कि वह समास जिसका पहला पद आपका संख्यावाचक हो और दूसरा पद आपका, सॉरी पहला पद तो आपका संख्यावाचक हो और साथ में इसका जो दूसरा पद प्रधान है वो जहां आपका रहने वाला है। अगला इसमें देखें तो अगला आता है आपका नवग्रह। नवग्रह तो देखिए, नव जो है आपकी संख्या होगी, अर्थात सीधा सीधा बता रहे नौ ग्रहों का समूह, नौ ग्रहों का समूह है। इसका हमने विच्छेद किया, विच्छेद करके लिखा हमने नव ग्रहों का समाहार, अर्थात नौ ग्रहों का समूह। तो देखिए यहां आपका संख्यावाचक हो गया, ठीक है। अगला होता है दूसरा पद, तो दूसरा पद इसमें कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ आपका दूसरा पद हो गया, तो संख्यावाचक भी हो गया और दूसरा पद प्रधान भी हो गया। तो वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद प्रधान हो, वह आपका द्विगु समास होने वाला है। और वैसे भी अगर देखें तो द्विगु समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, आप सीधा सीधा बता दीजिए, जहां पर भी आपको संख्या का आभास हो, जिस शब्द में आपको संख्या देखे, आप सीधा सीधा वहां पे द्विगु समास आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा आने वाला है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व। तो देखिए द्वंद्व समास में क्या रहेगा कि द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होने वाले हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा सा, जैसा कि नाम से दिख रहा है आपका द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में क्या होगा कि दोनों पद की बात हो रही है, अर्थात वह समास, देखिए वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो वह आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास होता है, अब कैसे होता है इसको हम देखते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने यहां पे लिखा भाई और बहन, भाई बहन, तो ये आपका समास है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसका आपने विग्रह किया, तो विग्रह करके लिखा आपने भाई और बहन। देखिए भाई और बहन, अब यहाँ पे एक और बात हम बताएंगे कि इस समास की एक खास बात यहाँ है कि जब हम आपको इसका विच्छेद करके ऐसे लिखते हैं, तो इसका ये जो योजक चिन्ह है, यहाँ योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, अर्थात यहाँ लुप्त हो जाएगा, तो हमारा जो शब्द है भाई बहन है, इसमें भाई भी प्रधान है और बहन भी प्रधान है। तो यहाँ आपका पहला पद होगा, यहाँ आपका दूसरा पद होगा, इन दोनों का जब हमने विच्छेद करके लिखा, हमने लिखा भाई और बहन। या फिर होता क्या है कि समास में या फिर द्वंद्व समास में हम जब किसी भी शब्द को छोटे क्रम में लिखना चाहते हैं, तो वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भाई और बहन बोलने की बजाय भाई बहन बोलना ज्यादा पसंद करेंगे, तो इन तरह के संक्षिप्तकरण के लिए आप इन समास का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको आता है राजा रानी, राजा रानी, तो यहाँ पर आप ऐसा लिखेंगे कि राजा और रानी, क्या लिखेंगे आप, राजा और रानी। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो राजा रानी के बीच में आपका एक ये योजक चिन्ह है, इस योजक चिन्ह का यहाँ पे आपका लोप होने के बाद क्या लिखा जा रहा है, और लिखा जा रहा है। तो वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, इसमें यह भी प्रधान है और यहाँ भी प्रधान है, वह समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, वह आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, और इस समास के अंतर्गत आपके योजक चिन्ह का जो लोप हो जाएगा। इसी क्रम में अगला देखें अन्न जल, हमने लिखा यहाँ पे अन्न जल, इसमें आप देखें अन्न और जल,
अन्न और जल, तो यहाँ पे भी आपके अन्न का भी प्रधानता हो गई और जल की भी प्रधानता हो गई, तो दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, अब हमारा जो अगला समास है वो देखते हैं। तो अगला हमारा और आखिरी जो है वह आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो बहुव्रीहि समास की जो खासियत है वो आप देख पाएंगे कि अब तक के जितने भी समास थे उनसे वहां बिल्कुल हटके है, अर्थात ऐसा समास थोड़ा हम देखते हैं उसमें हटके क्यों है। सबसे पहले लिखते हैं बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, क्या लिखा आपने, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो इसमें क्या होता है, ऐसा समास जिसमें ना तो प्रथम पद और ना ही द्वितीय पद, अर्थात पहला और दूसरा पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान रहने वाला। देखिए यहां आपका पहला पद हो गया, यहां आपका दूसरा पद हो गया, ठीक है, पहला पद और दूसरा पद, लेकिन यहां पर ना तो ये प्रधान है ना ये प्रधान है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो तीसरा पद है वो प्रधान है, तीसरा पद इसमें प्रधान रहने वाला है, तो यहां पे आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इसकी परिभाषा लिखते हैं, वह समास जिसमें ना तो प्रथम पद, ना तो प्रथम पद या फिर ना तो आपका जो पहला पद और ना ही आपका दूसरा पद, ना ही दूसरा पद प्रधान हो, पद प्रधान हो, किंतु इसके अलावा, देखिए इसके अलावा आपका तीसरा पद प्रधान रहने वाला है, तो तीसरा पद प्रधान हो, तो देखिए जहां आपका तीसरा पद हो गया तो तीसरा पद जहां पे प्रधान रहेगा वहां आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ऐसे से समझ में आने में थोड़ा कम आएगा। जिससे हमने लिखा चक्रमणि, चक्रमणि अर्थात चक्र है मणि पर जिसके, मणि पर जिसके, देखिए चक्र है मणि पर जिसके मतलब सीधा सीधा भगवान कृष्ण के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आपका अर्थ कुछ और ही निकल रहा है, अर्थ कुछ और यहाँ पे निकल रहा है। तो देखिए चक्रमणि को हमने देखा, तो चक्र है मणि पर जिसके, अर्थात जिसके पास यहाँ पे चक्र है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, भगवान कृष्ण की बोली। इसके बाद हमने थोड़ा सा अगला देखा चतुर्मुख, चतुर्मुख अर्थात चार है मुंह जिसके, चार है मुंह जिसके, तो इसमें आप जब देख पा रहे थे यहाँ पे सीधा सीधा भगवान ब्रह्मा के बारे में बात की जा रही है, तो भगवान ब्रह्मा की जब बात की जा रही है तो अर्थ हमारा कुछ और ही निकल रहा है। हमने तो यहाँ पे चतुर्मुख लिखा था लेकिन हमारा सीधा सीधा इशारा किसकी तरफ है, ब्रह्मा जी की तरफ है। तो वह समास जिसमें आपका कुछ और ही अर्थ निकलता हो उस स्थिति में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, वह समास जिसमें ना तो पहला पद प्रधान हो ना ही दूसरा पद प्रधान हो किंतु आपका तीसरा पद प्रधान रहेगा, तो उस स्थिति में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा।